हेलो एवरीवन, ये हमारे पास देखिए एक बोर्ड है जिसमें क्या है, दो दो स्विच लगी हुई हैं। ये देखिए, आज इसकी हम कंप्लीट वायरिंग करेंगे कूलर में लगाने के लिए। तो आइए करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले इस तरह से आपको क्या है, एक वायर ले लेना है। और इस तरह से क्या है, दो दोनों पिन में क्या आपको लगा देना है, दोनों स्विच के। ये देखिए इस तरह से क्या है, आपको ये, इसको आप मान लीजिए कि एक पंप है, एक मोटर है। इस तरह मान के आप क्या है, इसको वायरिंग करिए। तो ये देखिए, एक वायर क्या है, आपको इस तरह से लगा देना है। और एक वायर क्या है, आपको यहाँ इस पे इस तरह से लगाना है। दोस्तों, वायरिंग को आपको ध्यान से देखिए। तो ये देखिए, अब हमें क्या है, दो एसी का तार जो लाइट में हमें लगाना है बाहर, एक तार क्या है, एक तार इसमें जोड़ देंगे इस तरह से। और एक तार देखिए हमारा क्या है, इस वाले पिन में क्या है, जुड़ जाएगा। तो ये देखिए इस तरह से क्या है, इसमें जोड़ देंगे उसको। ये देखिए, और इस पे आप अपने अनुसार क्या है, टेप लगा लेंगे। और इस तरह से क्या है, इसको टेप लगा देंगे। अब इसको क्या है, इसको पैक कर देंगे अच्छी तरह से, अपने हिसाब से आप सेट कर लीजिएगा। अब आइए इसकी हम टेस्टिंग करते हैं। तो ये देखिए, हमने दो क्या है, बल्ब ले लिया इस तरह से। तो ये देखिए हमारे पास क्या है, लग जो लाइट में लगाना है, हमने क्या है, इसको लगा दिया है। तो अब इसमें चेक करेंगे, ये देखिए बहुत बेहतरीन, चाहे आप पंप मानिए या मोटर मानिए, कोई भी। तो ये देखिए दोनों क्या है, बहुत बेहतरीन तरीके से काम कर रहा है। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।